हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका द न्यू डिज़ाइंस में। आज हम बनाएंगे ये ट्राउज़र के पांचे का खूबसूरत सा डिज़ाइन। सो वीडियो में तक बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलें बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने इस तरीके से छोटे पीसेस ले लेने हैं, जो कि हमारे 3x3 इंच के होंगे। ठीक हो गया, ये हम डबल कलर में ले रहे हैं, आप चाहें तो एक कलर में भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, देन उसके बाद हमने फर्स्ट इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक हो गया सबसे पहले, देन उसके बाद हम इसे फिर एक दफ़ा इसी तरीके से इसे फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में पीसीस बना लेने हैं। ठीक हो गया, ये आपने कम से कम 24 पीसीस एक पे पोंचे के लिए बना लेने हैं। ठीक हो गया, जिसे आप 24 पीसीस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 पीस हमारे एक कलर के होंगे और 12 पीस दूसरे कलर के। ठीक हो गया, ये देख लें फ्रेंड्स, इस तरीके से ये आपने ये मुकम्मल सारे बना लेने हैं। ठीक हो गया, इन्हें बनाने के बाद देन हम इसे इन्हें ज्वाइंट करेंगे आपस में। ठीक है, वो आपने कैसे करना है, ये इस तरीके से सबसे पहले एक पीस आपने रखना है और उसके ऊपर इस तरीके से दूसरा रखना है। ठीक है, देन उसके बाद इनके सेंटर में ये इस तरीके से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ठीक हो गया, और ये जो सा पीस रखेंगे, ये इनका जो सा आपस में गैप होगा वो कम से कम आपने 1/2 इंच का रख लेना है। ठीक है, वो आप खुद भी देख लीजिएगा, जिस साइज़ के आपके ये पीसेस होंगे उस साइज़ के हिसाब से आपने इनका ऐसे गैप रख लेना है। ठीक हो गया, देन उनके उसके बाद एक कलर आपने एक पीस आपने एक कलर का लगाना है और एक पीस दूसरे कलर का। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हम इसका ये डिज़ाइन बनाएंगे और ये इस तरीके से देख लें, बिल्कुल इनके सेंटर में सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये देख लें इस तरीके से, ये इसमें हमारे 6 एक कलर के लगे हैं। ठीक है, और 6 दूसरे कलर के। ठीक हो गया, ये इस तरीके से एक साइड के हमारे 12 पीस लगेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये देख लें इस तरीके से, ये आपने मुकम्मल लगा लेने। ठीक है, ये देख लें, ये हमारे मुकम्मल हो जाएंगे ये इस तरीके से। ये हमारी एक साइड की जो सी पट्टी है ये मुकम्मल हो चुकी। ठीक हो गया, ये आप देख लें कितने खूबसूरत तरीके से ये हमारी जो सी पट्टी है बन चुकी है। ठीक हो गया, ये देख लें बिल्कुल इक्वल साइज़ की। ठीक है, देन उसके बाद ये हम इसकी जो सी दूसरी पट्टी होगी वो हम बनाएंगे। ठीक हो गया, जो इसके ऑपोजिट साइड में लगेगी, मीन्स के इसके सामने लगेगी। ये देख लें, इस तरीके से आपने ये दो पट्टियाँ तैयार कर लेनी है, ये समझिए आपकी ये पोंचे पे लगेंगी। ठीक है, देन उसके बाद हमने एक पेपर ले लेना है। ठीक है, आप इसकी जगह अखबार भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, देन उसके बाद हम इस पेपर को 3 इंच चौड़ा काट लेंगे। ठीक हो गया, और लंबाई में ये आपका जितना आपका पोंचा होगा उस हिसाब से होगा। ठीक है, ये देख लें इस तरीके से 3 इंच हमने चौड़ाई में इसे काट लेना है। ठीक हो गया, देन उसके बाद काटने के बाद हम इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। ठीक हो गया, ये देख लें इस तरीके से, सबसे पहले हम चौड़ाई पे निशान लगाएंगे, ये हमारा 3 इंच चौड़ा था, सो इसलिए हम इसके ऐसे 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे सेंटर में। ठीक हो गया, ये मुकम्मल पट्टी पे आपने इस तरीके से 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेने। ठीक है, देन उसके बाद हम स्टिक की हेल्प से इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये निशान हमारे जो से हमने पट्टी बनाई है उसे लगाने में हेल्प देगा बिल्कुल इक्वली। ठीक हो गया, देन उसके बाद हम इसकी ऐसे चौड़ाई में भी सेंटर का निशान लगा लेंगे फोल्ड करके। ये देख लें इस तरीके से, ये हमारी सेंटर पे और लंबाई का दोनों का निशान हो चुका। ठीक है, देन उसके बाद इस पेपर के ऊपर ये जो सी हमने दोनों पट्टियाँ बनाई थी वो लगाएंगे। ठीक है, ये देख लें इस तरीके से, जो सा हमारा सेंटर का हमने लगाया था उसके साथ ये इस तरीके से इसकी जो सी नोक होगी वो रखेंगे। सबसे पहले ये देख लें, बिल्कुल सेंटर की लाइन से ये बराबर हो। ठीक है, और ये पेपर के बिल्कुल सेंटर में हो नोक इसकी। ठीक है, देन उसके बाद साइड पे इसके हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल 1/2 इंची का दबाव दे के। ठीक है, ये देख लें, ये इस तरीके से आपने 1/2 इंची का दबाव लेना है और इसके ऐसे साइड पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, और ये ध्यान में रखिएगा, सिलाई लगाते टाइम ये जो साइन दो इन पट्टियों का गैप है वो आपस में इक्वल रहे। ठीक है, ये देख लें इस तरीके से आपने गैप बिल्कुल इक्वल करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी साइड जब ये सेंटर में आ जाएगा देन दूसरी साइड बिल्कुल इसके ऐसे ऑपोजिट हमने रखनी है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों की जो सी ये नोक है ये आपस में ऐसे अटैच हो। ठीक है, इन दोनों में कोई भी गैप या कोई भी फासला ना आए।
ठीक हो गया, ये देख लें, ये इस तरीके से सिलाई लगानी है। देन फिर उसी तरीके से सेम हम इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से ये जो हमारी दोनों पट्टियाँ होंगी आपस में जुड़ भी जाएंगी और पेपर पे अटैच भी हो जाएंगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल इक्वली, ठीक हो गया। ये देख लें, ये इस तरीके से ये हमारी ये पट्टी बन जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद ये साइडों पे जो सा हमारा फालतू पीस होगा उसे हम इस तरीके से काट लेंगे, ठीक हो गया। ये आपने दोनों साइडों से काट लेना है, बिल्कुल इक्वल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि देन जोड़ते टाइम ये आपका जो सी सिलाई है बिल्कुल बराबर है, ठीक हो गया। ये देख लें, इस तरीके से हमने ये हमारी जो पट्टी है बन चुकी। देन उसके बाद हम एक चौड़ी पट्टी लेंगे 3 इंची, जो सी हमारी इस पट्टी के बराबर होगी। ये देख लें, इस तरीके से ये हमने ले ली, ये हमारी नीचे पौचे पे लगाने के काम आएगी, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम पाइपिंग के लिए पीस ले लेंगे, जो भी कलर का आपने पाइपिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से हम उस कलर का पीस ले लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा कम से कम 1.5 इंच का होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये ट्राउज़र ले लेना, ठीक है, और ट्राउज़र का जो से नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ पे हम इसकी ऐसे पाइपिंग करेंगे, ठीक हो गया। ये देख लेंगे, इस तरीके से नीचे हमने ट्राउज़र को सीधा रखा और उसके ऊपर जो जिस कपड़े की हमने पाइपिंग करनी है वो हमने उल्टा रखा है, ठीक हो गया। ये देख लें, इस तरीके से आपने ये ऐसे पीस रखना है और बिल्कुल इसकी ऐसे किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। और ये इस सिलाई का जो सा गैप होगा ये आपका उतना होना चाहिए जितना पाइपिंग में डोरी का होता है, ठीक हो गया, वो आप देख लीजिएगा। ये इस तरीके से आपने चौड़ी पाइपिंग करते हैं या बारीक, वो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। ट्राउज़र पर लगाने के बाद उसके साथ ही हम जो सी नीचे पट्टी लगानी है पौंचे के, उसके ऊपर भी इस तरीके से ये पाइपिंग लगा लेंगे, ठीक है। ये आपने मुकम्मल दोनों पर लगा लेनी है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें, इस तरीके से हम ये पाइपिंग लगा लेंगे मुकम्मल ट्राउज़र पे भी और नीचे जो उनसी पट्टी लगेगी उसके ऊपर भी, ठीक हो गया। और इसका गैप भी हम उतना ही रखेंगे जितना पाइपिंग की टोरी का होता है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लेंगे, इस तरीके से ये लगाने के बाद देन हम जो उनसे ट्राउज़र का पीस होगा हम ये दूसरी साइड से लैदा कर लेंगे काट के, ठीक है। देन उसके बाद ये कपड़े को इस तरीके से ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से पाइपिंग जितना जो हमारा दबाव होगा वो हमारा इस तरीके से पाइपिंग की शक्ल में बाहर आ जाएगा। ये देख लेंगे, इस तरीके से आपने ऐसे फोल्ड करते जाना है और जो पाइपिंग की डोरी जितना दबाव होता है उतना आपने ऐसे दबाव रखना है और इसके ऊपर ये ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ठीक हो गया। और ये सिलाई लगाते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सिलाई ना तो आपकी पाइपिंग के ऊपर है और ना ये जो सा ट्राउज़र का कपड़ा है ये इसके ऊपर है, ठीक हो गया। ये जो सी आपकी सिलाई है बिल्कुल आपकी जड़ में लगनी चाहिए, मीन्स के इन दोनों के दरमियान में। ये देख लें, ये इस तरीके से इन दोनों के दरमियान में सिलाई आनी चाहिए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें, इस तरीके से ये आपने मुकम्मल जो हमारा ट्राउज़र के पांचे उस पर लगा लेनी है, ठीक है। और नीचे जो पांचे पे हम पीस लगाएंगे सेम उसकी भी इसी तरीके से हम ऐसे अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारी दोनों साइड की पाइपिंग जो सी है वो हो जाएगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें, बिल्कुल आपकी जड़ में सिलाई ये लगनी चाहिए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों पाइपिंग हो चुकी। देन उसे हम ऐसे इस तरीके से मशीन से बाहर निकाल लेंगे, ठीक हो गया। देन उसके बाद इसके ऊपर हम प्रेस लगा के इसको अच्छे तरीके से बिठा लेंगे, ठीक है, ताकि जो सी हमारी सिलाई है अच्छे तरीके से बैठ जाए, ठीक हो गया। और जो सा हमारे ये नीचे फालतू कपड़ा होगा उसे हम कैंची की मदद से काट लेंगे, ठीक है। ये देख लें इस तरीके से, और काटते टाइम ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो सी आपकी सिलाई है वो ना कटे, थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाव छोड़ के ज़रा सा आपने काट लेना है। देन उसके बाद इसके ऊपर भी हम इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे, ठीक हो गया। देन उसके बाद ये जो हमारी नीचे वाली पट्टी होगी जो हमारी पांचे पे लगेगी उसे हम जो सा ये ऐसे पैटर्न बनाया था इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक हो गया। ये देख लें, हमने ये इस तरीके से ऊपर पट्टी रखनी है, ठीक है, और इसके नीचे इस कपड़े को ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। जोन सी इसकी दूसरी साइड होगी, एक साइड पे तो हमने पाइपिंग की है, जोन सी दूसरी साइड होगी उस साइड को हम इसे इस तरीके से इसके नीचे रखेंगे एक साइड के, ठीक हो गया। और ये देख लें, ये नीचे से जोन सी हमारी पाइपिंग है ये सीधी आएगी, ठीक हो गया। ये नीचे वाला कपड़ा जोन से वो सीधा है, ठीक है। देन उसके बाद ये इसके ऊपर जो सी हमने सिलाई लगाई होगी सेम उसके ऊपर ही हम सिलाई लगा के इसे ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम इसे ऐसे ऊपर की तरफ जब फोल्ड करेंगे सो नीचे से हमारी ये नीचे की पांचे की पट्टी भी बन जाएगी और पाइपिंग भी लग जाएगी एक साथ ही, ठीक है। एक ही सिलाई से दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक हो गया। देन उसके बाद ये जो सी आपने सिलाई लगाई होगी उस सिलाई के ऊपर ही आप ऐसे सिलाई लगाएंगे
ठीक है, और इस पट्टी के साथ ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा, ये दबाव आपने इतना ही लेना है जितना आपने ये बीच में सिलाई के बाद छोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। देन उसके बाद ये जो सोपर वाला ट्राउज़र होगा वो हम इस पट्टी के साथ ऐसे अटैच कर देंगे। अटैच करने से पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आपस में हम सबसे पहले इसका सेंटर करेंगे, और ये जो हमने इस पैटर्न के सेंटर में निशान लगाया था उसके साथ ही इस तरीके से इसको ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जितनी हमारी ये सिलाई लगी होगी उतना हम दबाव लेंगे, और सेम उसी तरीके से इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। ये जो सी सिलाई होगी ये भी हमारी ऐसे जड़ में लगेगी उस सिलाई के ऊपर ही, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से, ये आपने मुकम्मल ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से आपने ऐसे मुकम्मल सिलाई लगा लेनी है, ठीक होगा। उतना ही दबाव लेना है जितना आपने नीचे ये जो से पीसेस जोड़ते टाइम लिया था, सेम उतना ही दबाव लेना है, ठीक है। इससे जो से हमारी नीचे वाली सिलाई होगी वो भी छुप जाएगी और ये अटैच भी हो जाएगा। ये देख लें फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये हमारा खूबसूरत सा पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जो से पेपर लगाए होगा या आपने अखबार लगाई होगी वो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है, वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक हो गया। ये देख लें इस तरीके से। देन उसके बाद हम इसके जो सेंटर होगा उसमें ये पल लगाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो कोई टसल भी लगा सकते हैं, कोई बटन भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों नोकों को आपस में ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, सुई की मदद से। और ये जो सी आप हाथ के साथ सिलाई लगाएंगे ये आपने नीचे की तरफ लगानी है ताकि ये ऊपर की तरफ शो ना हो, ठीक है। देन उसके बाद ये लगाने के बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से ये पल लगा लेंगे, ये देख लें फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो हमारा ये पैटर्न है ये रेडी हो जाएगा, ये देख लें इस तरीके से। देन उसके बाद फोल्ड करके आप साइड की सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से, ये आपका फैंसी सा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।